कि दो तीन तरीकों से मैंने आप लास्ट प्रोग्राम में बताया था आपको कि स्किल वर्कर बिजनेसमैन हजरात जाते हैं, तो मैं क्योंकि प्रोफेशनल था, मास्टर्स किया हुआ है, पहुंच गए वहां पर। पहुंचने के बाद क्योंकि रेगुलेशन बाद में इंट्रोड्यूस भी हुआ कि आप लाइसेंसिंग करें और तालीम लेनी होती है आपको इस फील्ड में, तो मैंने ली। तो यकीनन जब मैं तालीम ले रहा था इमिग्रेशन लॉ की, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे रहा था, फिर आपके साथ बच्चे भी होते हैं, आपको और सारी चीज़ें एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, पैसे लेके जाते हैं आप साथ में, तो आप जाते यूँ हैं, हाँ जाते हैं, बहुत तेज़ी से जाते हैं, तो जो टीदिंग इफेक्ट है, जो कि जैसे कभी कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जब दांत निकल रहे होते हैं तो काफ़ी दर्द होता है, लेकिन एक दफ़ा जब निकल जाते हैं तो फिर वो सबको काटता है। तो इसी तरह इमिग्रेंट्स भी जाते हैं, उनको तकलीफ होती है, लेकिन उनको साबित कदम रहना होता है, और ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ, हमने काफ़ी मुश्किल झेली। कल्चरल इफेक्ट भी होता है, शॉक भी होता है कि हम कहाँ आ गए हैं, ठीक है। ख़रीदारी के वक्त इवन आप अपना कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो आप कहते हैं ये तो इतने डॉलर की है, फिर आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं, आस्ते आस्ते आप यूज़ टू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, एंड वेदर कभी आपको पसंद नहीं आता, सर्दी बहुत हो रही है, फिर इंसान की बॉडी ऐसी है कि अडाप्ट हो जाती है आस्ते आस्ते। और कितना अरसा लगा आपको उस बेस को, मतलब अपने आप को वहाँ पर रिकॉग्नाइज करने में? हाँ, तो बेसिकली व्हेन आई वेंट देयर, तो आई हैव टू डू द डिग्री प्रोग्राम इन इमिग्रेशन, फिर लाइसेंसिंग वगैरह। फादर आपके यहाँ पर थे? फादर वाज, और एक ऑफिस वहाँ आपने बेस बनाया? बिल्कुल, हमारा किंग स्ट्रीट ऑफिस है डाउनटाउन में। तो मुझे तो लगे तकरीबन 2-2.5 साल के अंदर सेटल डाउन होने में, लेकिन डिपेंड करता है आप किस प्रोफेशन में है। बहुत से लोगों को इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि उनको लाइसेंसिंग नहीं करनी है, खाली उनको शायद क्वालिफिकेशन बेहतर करनी है। आईटी वाले हमारे हजरात जाते हैं, उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से काम चल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को वगैरह। तो ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत वक्त लगे सेटल डाउन होने में या जॉब मिलने में। आप यहाँ से स्पेड वर्कर के जाएँ, आपके पास प्लान होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, अंग्रेज़ी आपकी अच्छी है उसको मज़ीद इम्प्रूव करके जाएँ, छोटी छोटी बातें, सॉफ्ट स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप क्वालिफाइड बहुत हैं, बात करने में आपको दिक्कत है, अंग्रेज़ी में इश्यूज़ हैं, अब वहाँ जाएंगे आपको यकीनन दिक्कत होगी, इवन आम नॉर्मल जॉब्स करने में भी। तो यस, लोग जिनका प्लान होता है वो प्रॉपर तरीके से जाते हैं, डेड एंड जॉब्स में नहीं चले जाते शुरू में, वो अपना पढ़ाई कर लेते हैं कभी। अच्छा, कभार मस्ट है ना? हाँ बिल्कुल, मस्ट लाइसेंस ही नहीं मिलता, लाइसेंस ही नहीं मिलता। तो ये तमाम इवन यू नो हेयर ड्रेसर्स को लाइसेंस चाहिए, अप्रेंटिस चाहिए, आपको बाल किसी के काटने हैं, पेंटर को चाहिए। एग्जैक्टली, और वहाँ पे पेनल्टीज फिर इतनी स्ट्रांग लगती हैं कि लोग इस चीज को मतलब फॉलो करते हैं कि वरना तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। जब स्टैंडर्ड है और मुश्किलात होती है, इवन आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने में तो कभी कभार दिक्कत हो जाती है कि वहाँ पे मेयार है तो आप चाहते हैं कि फौरन मिल जाए एक्साइटमेंट में, वो आपको एक दफ़ा फेल किया, दो मरतबा किया, तीन, लेकिन क्या ऐसा होता है कि लोग क्विट कर देते हैं, वो लोग अटेम्प्ट करके आखिरकार ले ही लेते हैं ना। सही, आप अपनी साबित कदमी रखिए।